एक्शन। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूँ। दोस्तों हमारी ये ब्रोकली बहुत अच्छे से तैयार हो गई, अब इसको हम खाएंगे। तो हम, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुझे बड़ी खुशी रहती है, बड़ा इंतज़ार रहता है अपना कंटेनर खाली होने का, तो मेरा एक कंटेनर ये भी खाली हो रहा है। और ऊपर से काट लो, हाँ इसको रख दो। तो इसके पत्तों को खाएगी मेरी लक्ष्मी और गौरी, यानी मेरी गायें गौ माता, और इसको खाएंगे हम। तो इसको हम आज तोड़ लेंगे और इसके बाद एक कंटेनर को खाली करेंगे, कल इसमें धूप लगवाएंगे, इसमें फिर इसके बाद फिर हम नए सिरे से इस कंटेनर को और अच्छे से भरेंगे। तो दोस्तों आप लोग भी ब्रोकली ज़रूर लगाएं, कितनी बड़ी बड़ी हुई हैं, कितनी बढ़िया हुई हैं ना। आज मैंने ब्रोकली को बनाया था ऐसे भाप में हल्का सा करके, और हल्का सा जीरा और हल्का सा उसको तड़का लगा के बिना मसालों का, बस काली मिर्च डालकर, ब्लैक पेपर, हाँ बहुत, नहीं फूल गोभी जैसे नहीं अलग बनाया था, इतना टेस्टी लगा। बच्चे बोले कि सब्जी इतना नहीं खाते मम्मी जितना इसको हमने खा लिया। तो इसको हम ले जा रहे हैं, वाह क्या हुआ, वो थोड़ा ज्यादा होने से हो जाता है फूलने को, देखिए ना ही फूल जैसे दिखा। हाँ ये पूरी टोकनी हमारी भर गई बड़ी सी, और अभी भी मतलब हमारा इतना सारा इसमें है तोड़ने के लिए, हमको और बड़ा टोकनी लाना था नहीं। तो दोस्तों ये कंटेनर को मैं किस तरीके से भरूंगी मैं आपको बताऊंगी। और बार बार दोस्तों आप पूछते हो, बार बार मैं कंटेनर के बारे में बताती हूँ, ये पानी की टंकियाँ हैं दोस्तों, पानी की फूटी हुई टंकियाँ हैं जो कि खराब होती हैं, कंडम होती हैं, लोग फेंकते हैं, उनको मैं खरीद लेती हूँ, ले लेती हूँ, दान में भी ले लेती हूँ, अगर कोई दे दिया मैडम ले लो तो हम ले लेते हैं, फिर इसको अपने हिसाब से कटवा लेते हैं। जैसे कि ये बड़ी टंकियाँ हैं, ये इधर का जो हमको इधर फैलाना है, बेलबरगी सब्जियां जो लगाते हैं उसके लिए हम ऐसी बड़ी लेते हैं, मतलब कि दो टुकड़े में। और अगर हमको ऐसी सब्जियां लगानी है जैसे ये सब पालक मेथी धनिया, तो उसके लिए इतना भी चलेगा। तो इस तरह से दोस्तों ये खराब टंकियां हैं, चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए ये टूटा हुआ है ना, इसको हमने यहाँ से सिलवा दिया था, तो हो गया, मिट्टी हमारी इसमें अटक गई, और क्या करना है। और हाँ बिना छेद किए कहाँ से होगा मैं दोस्तों, क्योंकि इसमें से ड्रेनेज के लिए व्यवस्था करनी होगी ना। तो फर्स्ट तो ये फूटी रहती हैं, सेकंड अगर इनका तली नहीं फूटा हुआ है तो होल करना पड़ता है ताकि पानी निकल जाए। इसमें पानी पौधों में रुकने से पौधे हमारे मर जाएंगे। देखो रोहित को पता है, रोहित बोल दो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार जय छत्तीसगढ़, सुबह सवेरा राम राम साहेब साहेब। तो दोस्तों बड़ी सी टोकनी में हमने एक टोकनी तोड़ ली ब्रोकली, अब ये है इसका गार्बेज जिसकी बनेगी खाद। चलो ये रहा देना, नहीं नहीं उसमें डाल, ये में डाल देना, ये तो नीचे। हाँ ये भी सही है, ठीक है नीचे रख दो कहीं किनारे में। तो दोस्तों ये रोहित सुझाव दिया, सही बात है, क्योंकि हमारा ये कंटेनर जो है ना, मैं आपको बता रही हूँ, इतना गार्बेज निकलता है कि ये भर जाता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम डिब्बे में ही दबा दें चीजों को, ताकि ये कंटेनर फ्री रहे। और मतलब कि जब हम कोई कंटेनर नहीं भरते रहते तब जो गार्बेज निकलता है तो इस टंकी में आया जिसमें हमारी ये खाद तैयार होते रहती है। तो दोस्तों अब इस सारी मिट्टी को हम खाली करेंगे, शाम हो रही है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, कल इसमें लगेगी दिन भर की धूप। तो इसको हम कर देते हैं खाली, इसके बाद फिर हम किस तरह से इसको नए सिरे से फिर भरेंगे, क्योंकि देखिए एक बार इस मिट्टी का पोषण जो है पौधों ने ले लिया, अब इसको फिर से उर्वरा शक्ति से भरपूर बनाने के लिए हम इसमें क्या क्या करेंगे हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे खाली अपने कंटेनर को, और खाली करके सारी मिट्टी को पलट देंगे जमीन में, फर्श में इसमें पलट देंगे, और इसमें लगेगा धूप, धूप लगवाएंगे। और दोस्तों इसके नीचे भी हमने खाद बनाई है जो मैं आपको दिखाऊंगी, अभी नीचे जब पहुंचेंगे इसके तब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हर कंटेनर में हम लीप कंपोस्ट बनाते हैं और गार्बेज की खाद बनाते हैं जो भी हमारे, देखो निकलना शुरू हो गया ना, जड़ तो है सब पूरा, कचरी कचरा फेंकते जाना, मतलब कचरा मीन्स प्लास्टिक, बाकी कचरा कुछ नहीं है हमारे यहाँ, सब खाद है। दिखाना, ये देखो, दिखाओ दिखाओ, पेड़ पत्ता तो नहीं, पत्ता दिखाओ ना, वो वाली कैसे बनी खाद बनी है, ये देखो दोस्तों ये लीप कंपोस्ट है, प्योर लीप कंपोस्ट,
जो दुनिया की सबसे महंगी खाद हम अपने घर में तैयार करते हैं और ऊपर से हम फ्रूटिंग भी लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप नीचे इस तरह से खाद बनाते हैं। तो अब जो है ये खाद जो है आपके पौधों में मिलके, आपकी इस मिट्टी में मिलके आपके पौधों को पोषण देगी। उस टाइम पे जब हमने इसमें ब्रोकली लगाया तब ये खाद नीचे बन रही थी, अब ये खाद बन चुकी है आपके मिट्टी में शामिल होने के लिए, नेक्स्ट पौधों को पोषण देने के लिए। दिखा दिखा ये वाला दिखा ना हाथ से, ये दिखा, ये देखिए, ये सब खाद है, ये सब मोटी मोटी जड़े भी हम डाल देते हैं, इस बार और डाल देंगे। इसी में का पेड़ है ये, ये देखिए, ये खाद है पत्ते की, देखा आपने कितनी बढ़िया। तो इस तरह से हम बनाते हैं खाद और इस तरह से हम अपने उगाते हैं पौधे। रोहित बोल रहा है कि गांव में घुरवा में इस तरह से डालते हैं, तो हमारे पास घुरवा नहीं है, हमारा घुरवा वो ड्रम है और हमारा घुरवा यही कंटेनर है, हमारे बड़े बड़े जो कंटेनर हैं इसी में ही नीचे हम घुरवा की तरह खाद तैयार करते हैं, ऊपर से हमारे पौधे भी तैयार होते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी है, कितनी हल्की मिट्टी है कि कहीं से भी आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें, हाँ ये देखिए सब सारी वही है पेड़ के, हाँ पिछली बार जो पेड़ निकला इसी में हम डाल दिए थे। तो मिट्टी कितनी भुरभुरी है कि चाहे तो आप हाथ से, आपको मैं दिखा रही, ये देखिए ये मिट्टी है, ये देखिए ये कचरा उस पिछली बार का, ये सब सड़ा है, अब इसमें हम मिट्टी में इसको मिक्स कर देंगे कल धूप लगवा कर। तो दोस्तों देखिए उसी मिट्टी में हमारी ये ब्रोकली तैयार हुई है। अगर आप इस तकनीक से अपनी सब्जियां उगाते हैं तो आपको मार्केट से कोई सब्जी सब्जी तो नहीं खरीदनी पड़ेगी, कोई खाद वगैरह भी नहीं खरीदनी पड़ेगी, आपकी सब्जियां इसी तरह से लहलहाएंगी। तो दोस्तों कल हमने इस कंटेनर को खाली किया था, आपको दिखाया था, ये मिट्टी में दिन भर धूप लगी कल की और आज की। अब आज इसमें जैसा कि हम लगाते हैं अपने पौधे तो इसमें हम भरेंगे सूखे पत्ते और जो हमारे यहाँ का गार्बेज जो भी निकलता है वो सारा गार्बेज इसमें डालेंगे, ताकि मतलब कि इसके अंदर खाद भी बनती रहे, हमारा गार्डन भी साफ रहे और इवन हम जो उस कंटेनर में रहता है ना तो कुछ कुछ उसको भी डाल देते हैं ताकि हमारा कंटेनर खाली रहे। तो हम जब भी हमको अगर मान लीजिए नहीं भरना है कंटेनर और गार्बेज निकलता है तो हम कहाँ रखें, तो हमें एक एक कंटेनर एक टंकी ऐसा कुछ रखना पड़ता है। तो इसको पहले भरेंगे हम गार्बेज से, इसके बाद इधर हम बनाएंगे मिट्टी। मिट्टी कैसे बनाएंगे आपको हम दिखाएंगे। तो दोस्तों ये कंटेनर से हमने निकाल लिया, किस तरह से हमारी खाद बनी है देखिए, ये कंपोस्ट हुई है। अब चूंकि मेरे पास जगह बहुत ज्यादा नहीं रहती है तो ये सारा खाद को मैं इसके अंदर डाल दूंगी। दो महीना हुआ है, इसका बड़ा बड़ा सब छांट लो, देखिए 2 महीने में खाद बना, नहीं बड़ा बड़ा छांट के इसमें कर दो, बाकी उसमें मिट्टी में मिला दो तो उसमें मिक्स हो जाएगा तो बढ़िया उपजाऊ हो जाएगी। नहीं बड़ा बड़ा हटा लेना क्योंकि पौधे लगाएंगे ना। तो ये देखिए हमारी खाद किस तरह से तैयार हुई है और वो भी 2 महीने में, 60 दिन में। कभी कभी मैं ऐसे काम कर देती हूँ मुझे खुद ही भरोसा नहीं होता, सच्ची कह रही हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों ये खाद हमारी बन गई इस कंटेनर में, अब ये कंटेनर हमारा खाली हो गया, देखिए देखिए नीचे तक। अब इसमें फिर हम नए सिरे से बनाएंगे खाद। तो इस तरह से हमारी हम अपने गार्डन से ही और अपने घर में ही खाद तैयार करते हैं और अपने पौधे उगाते हैं, हमें कहीं बाजार जाने की जरूरत नहीं। देखिए दिखाओ ऐसे, ये देखिए ब्लैक गोल्ड, तो ये सूखे पत्ते और ये अध पकी खाद है, ये जो ज्यादा पकी हुई है उसको हम इस मिट्टी में मिलाएंगे। राख मिला दिया है, इसी कंटेनर की मिट्टी है इसमें से जो निकली है, अब हम मिलाएंगे उस खाद को, ये देखिए। और ये हमने गार्बेज सूखे पत्तों से इसको इतना भर लिया है, अब हम भरेंगे इस खाद और सारा कुछ मिक्स करके इस मिट्टी से इस कंटेनर को। ये देखिए ये जो हमने अपने घर में खाद तैयार करी, वेस्ट कीमती खाद, उसको हम मिलाएंगे इस मिट्टी में। राख मिला दिया, उसमें पहले से ही लीप कंपोस्ट और ढेर सारी खाद उसमें कंटेनर में ही था, अब ये अलग से भी हम इसको मिला रहे हैं। बाकी बची हुई खाद को दोस्तों हम ऐसे बोरी में रख लेते हैं, फिर हमको ऊपर से कहीं ज़रूरत पड़ता है तो इसको फिर हम डाल देते हैं पौधों में। पौधे उगाने के बाद जैसे ये है अडेनियम है, ये सारे कुछ है ना पौधे हमारे ढेर सारे, तो इनमें ऊपर से भी खाद लगती है, तो मैं यही वाली खाद डालती हूँ। रासायनिक खाद डालना कम पसंद करती हूँ तो यही वाली खाद मैं
कोड़ कर राख और ये खाद मिक्स करके मैं इनमें डालती हूँ। अब डालेंगे हम दोस्तों बकरी की खाद, बकरी की जो लीद होती है उसकी सड़ी हुई खाद, ये देखिए, और इसको मिक्स करेंगे इसी मिट्टी में। अब हम डालेंगे दोस्तों इसमें भूसी, भूसी यानी राइस हस्क, जिससे हम चावल जिसका खाते हैं चावल निकल जाता है। ये भूसी जो है बहुत काम की है, और इसी में है लीप कंपोस्ट, नहीं तो ये बहुत ही अच्छी होती है, मिट्टी को हल्का करती है, पानी को भी होल्ड करती है, ड्रेनेज भी अच्छा रहता है, और आपका पानी जल्दी सूखेगा नहीं तो पौधे बढ़िया रहेंगे गर्मी के लिए, और मिट्टी बहुत हल्की रहती है, और जब ये कंपोस्ट होती है तो कंपोस्ट होकर खाद बन जाती है। वैसे भी इसमें पोषक तत्व होते हैं जो पौधों को बहुत अच्छा रखते हैं, हरा भरा रखते हैं। अब हम मिलाएंगे इसमें सूखी पत्तियां हैं नीम की, जो फंगिसाइड का काम करेंगी, पौधों में कीड़ा मकोड़ा नहीं लगने देंगी। ऑर्गेनिक खेती में ये बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि हम रासायनिक खाद नहीं डालते हैं इसलिए हमें ये सब करना पड़ता है। राख भी यही काम करता है, पौधों को कीड़ा मकोड़ा नहीं लगने देता, और साथ में बहुत ही पौधों के लिए अच्छा होता है, पौधों को हरा भरा रखता है। तो ये हमारा ये भर गया है गार्बेज पत्ते और ये सब से। अब इस मिट्टी को हम अच्छे से करेंगे मिक्स और इससे भरेंगे कंटेनर। हर बार हमारी मिट्टी बढ़ जाती है, जो मिट्टी हमारी बढ़ जाएगी उसको बोरियों में भर के हम रख देंगे, फिर हम जब कभी हमको ज़रूरत पड़ती है उसको इस्तेमाल करते हैं। ये मिट्टी इतनी रिच है दोस्तों कि इनको हम ऊपर से भी इस मिट्टी को डालते हैं, जैसे पौधे लगे हुए हैं इनके कंटेनर में, अगर लगता है कि मिट्टी कम है तो यही वाले मिक्स को, खाद ना डाल के हम इसी मिक्स को इनके अंदर डालते हैं। तो हमारी मिट्टी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई। अब हम भरेंगे इसी मिक्स से कंटेनर को अपने पूरा ऊपर तक, क्योंकि ऊपर तक इसलिए भरेंगे क्योंकि बाद में नीचे चला जाता है, क्योंकि इसके नीचे पत्ते रहते हैं, तो जब पत्ते पानी पड़ता है तो अपनी जगह लेते हैं, कम हो जाते हैं तो नीचे चला जाता है, इसलिए मिट्टी हम भरेंगे इसमें ऊपर तक। हर कंटेनर को हम ऊपर तक मिट्टी भरते हैं लेकिन फिर वो नीचे चली जाती है। मेरी मिट्टी का कलर तो देखिए दोस्तों, ये देखिए, फाइन नहीं है लेकिन उपजाऊ बहुत है। वो देखिए उधर पत्ते दिख रहे हैं, इधर ये तो, ये फाइन नहीं दिखेगा आपको लेकिन उपजाऊ बहुत है। दो दिन धूप में सुखाया मिट्टी को अच्छे से, अब इसको हम भर रहे हैं कंटेनर को। देखिए कोयले कितने बड़े बड़े हैं, कोयले बहुत अच्छे होते हैं पौधों के लिए। ये हमारा कंटेनर हो गया फुल, पूरा ऊपर तक हमने इसको कुछ ज़्यादा ही डाल दिया। इसमें मैं जो लगाऊंगी आपको दिखाऊंगी, बहुत स्पेशल कुछ मैं उगाने वाली हूँ, बहुत दिन से उसके सीड खोज रही थी, मिल नहीं रहा था, तो मैं आपको दिखाऊंगी। हमारे गार्डन के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सूरजमुखी, सूर्य उदय पर ये 2-3 बोरी मिट्टी हमारी बच गई, इसको हम भर के सुरक्षित रख देंगे, फिर हमको जब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसको हम इस्तेमाल करेंगे। हल्का सा अंधेरा हो गया दोस्तों, लाइट ऑन कर लिया है हमने, बस ये आज का काम भी हो गया, बस इसको समेटना है और नीचे जाना है, रोहित को गर्मा गर्म चाय पिलाना है। तो दोस्तों ये हमारा कंटेनर हो गया कुछ भी उगाने के लिए, इसमें कुछ भी आप उगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसकी मिट्टी तैयार करी है, और हर कंटेनर के साथ मेरा यही प्रक्रिया रहता है, और मैं इसी तरह से मिट्टी तैयार करती हूँ। तो मैंने आपको कहा था कि इसमें क्या लगाऊंगी, तो दोस्तों इसमें मैं लगाऊंगी सूरजमुखी। दोस्तों ये बहुत सही टाइम है सूरजमुखी उगाने का, आप इसमें अभी मतलब कि इस टाइम भी सूरजमुखी उगा सकते हैं, और एक टाइम और है जुलाई में, दो बार आप सूरजमुखी उगा सकते हैं, बहुत अच्छे से होगा। तो इसको हमको उगाना कैसे है, आप चाहें तो इसके सीड्स को भिगा दें, 24 घंटे रख दें, इसका अंकुरण आने दें, इसके बाद उगाएं, या आप चाहें तो डायरेक्ट भी मिट्टी में इसको डाल सकते हैं और मिट्टी के नीचे दबा देंगे, ये कि मॉइस्ट होगा और अपने आप अंकुरित होगा। इसको इसके पौधे बनाकर भी रोपा जाता है, और डायरेक्ट खेतों में या क्यारी में भी आप उगा सकते हैं। जैसे पौधे बना दिए, 10-12 दिन बाद पौधों को उठाकर जहां आपको रोपना है वहां रोप दिए। तो आइए चलते हैं, इसको उगाते हैं। दोस्तों ये एक महीने में इसके फूल निकल जाते हैं, रुकिए मैं बता रही हूँ।
तो दोस्तों एक महीने में इसके फूल निकलने शुरू हो जाते हैं। मैं जैसा उगाती हूँ मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे मैं छीड़ दूंगी इसको, ये देखिए। तो दोस्तों इसको ऐसी जगह पे लगाएं जहां दिन भर की धूप आती हो, क्योंकि ये सूरजमुखी यानी सूर्य का पौधा है, तो इसको सूर्य की धूप बहुत ज्यादा चाहिए। इसके सीड्स बहुत उपयोगी होते हैं, इसके तेल बनाए जाते हैं, इनको छीलकर भी खाया जाता है, बहुत पौष्टिक होते हैं ये, सूखे मेवे की तरह इसका इस्तेमाल होता है। एक सीड नीचे गिर गया, तो इसको जरूर उगाएं। इसमें इसका एक बहुत अच्छा चीज मैं बता रही हूं कि अगर आप गार्डनर हैं, पौधे उगाते हैं, बेल वर्गीय पौधे उगाते हैं, आपके पौधे में फूल बनते हैं, फल नहीं बनते हैं, तो इसका कारण है कि वो पोलिनेशन उसमें नहीं हो पाता है। तो अगर आप सूरजमुखी का पौधा उगाते हैं तो ढेर सारे पोलिनेटर इसमें आते हैं दोस्तों, और हमारा पौधा, हमारी सब्जी अपने आप मतलब पोलिनेट होके और वो हमको सब्जी देती है। तो ये बहुत जरूरी रहता है दोस्तों, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा फूलों का मतलब कि मुझे सब्जियों का ज़्यादा शौक है, लेकिन मैं फूल भी उगाती हूँ, क्योंकि पोलिनेटर तभी आएंगे जब आपके गार्डन में फूल रहेंगे। तो सब्जियों के साथ साथ फूल भी जरूर उगाएं। सूरजमुखी के फूल में बहुत पोलिनेटर आते हैं, आप देखिएगा जब ये बड़ा होगा, तो इसलिए जरूर उगाएं। एक महीने में इसमें फूल बनने शुरू हो जाएंगे। फूल बनने के बाद इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तब तक आपके बगिया को ये खूबसूरत तो ये दिखता ही है, साथ में इसमें उपयोगी सीड्स मिलेंगे आपको और ढेर सारे पॉलिनेटर आएंगे। तो बहुत आसान है दोस्तों, इसकी टाइमिंग सही होनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि उनका सूरजमुखी नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि टाइम सही नहीं रहती है कब उगाना है। तो ये सही टाइम है फरवरी और एक जुलाई, दो बार आप उगाइए। अभी जैसे उगा दिए ये हो जाएगा कुछ टाइम में, इसके बाद फिर जुलाई में फिर उगा लेंगे हम। तो इस तरह से आप करिए तो आपके यहाँ सूरजमुखी जरूर होगा। तो इसको लगाएं और इसका लाभ लें, बस इतनी सी बात है, ज्यादा कुछ लगता नहीं है। मैं तो ऐसी बहुत फाइन काम नहीं रहता मेरा, लेकिन सब्जियां बहुत लहलहाती हैं, बहुत होती हैं। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा आपको कराते हैं हम गार्डन टूर, कई दिन से नहीं कराए हैं, तो दिखाते हैं आपको अपनी खूबसूरत बगिया। दोस्तों एक तरह का ये भी सनफ्लावर है, सूरजमुखी है, लेकिन इसमें सीड नहीं बनते हैं, ये बस देखने में सुंदर लगता है, पॉलिनेटर भी आते हैं। इसको हमने लगाया हुआ है, वो जो अभी हमने लगाया वो सीड के लगाया है, सीड्स के लिए लगाया। ये देखिए कितने सारे हमारे यहाँ ये पोई के बीज तैयार हुए हैं। देखिए एक डाल तोड़ने के लिए रह गई, मैंने उसको बोला था कि काट लेना, तो ये छोड़ दिया, नहीं तोड़ा है। और हमने दोस्तों जो खीरा ककड़ी ये सारा कुछ उगाया ना, वो सब में अंकुरण हो रहा है और सब आ रहे हैं। करेले, ये चिकनी वाली तो रही है करेले, ये देखे सब अंकुरण हो रहा है, अच्छे से दिखे नहीं दिखे, यहाँ दो आ गए हैं, ये करेले हैं। तो इसी तरह से ये बहुत सही टाइम है गर्मी की सब्जी उगाने का। टमाटर ये हमारा फल रहा है, पक रहा है, और हम ढेर सारा उगा भी रहे हैं, और भी हम उगा रहे हैं। ये देखिए पके हुए हैं दोस्तों, लेकिन नीचे दबे हुए हैं, इनको हमको तोड़ना होगा, बाद में तोड़ेंगे। कितने ठंडे ठंडे हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है दोस्तों। अब जब भी मेरा कंटेनर खाली होने को होता है, मुझे बड़ी खुशी होती है दोस्तों। इससे भी हमने बहुत फ्रूटिंग ली मिर्ची से, ये वाले कंटेनर का मैं अब उखाड़ूंगी आज या जब भी मुझे टाइम मिलेगा। ब्रोकली हमने ढेर सारी ली, अभी वो देखिए ब्रोकली और हमारी तैयार हो रही है। ये लहसुन है, लहसुन के पत्तों के लिए इसको हम उगाते हैं। और ये जो है पुदीना है दोस्तों, इसको अभी अभी हमने रिपोर्ट किया है, क्योंकि ये पुराना हो गया था तो अच्छे से हो नहीं रहा था, तो गर्मी में थोड़ा सा लगता है। तो दोस्तों यहाँ आ गए हैं तो थोड़ी लहसुन की पत्ती भी ले चलते हैं, थोड़ी मिर्चियाँ भी हरी हरी तोड़ लेंगे, इसकी चटनी बन जाएगी। ये देखिए बस हो गया, इतने में हो जाएगा, पर्याप्त है। अजवाइन का पौधा है दोस्तों, अजवाइन का पौधा यानी ये सीड से तैयार नहीं होता, कलम से हम इसको तैयार करते हैं, सीड से भी होता है। ये एक अजवाइन होती है जिससे अजवाइन निकलता है, वो दूसरा पौधा है, ये दूसरा पौधा है।
तो दोस्तों पुराने मिर्ची के पौधे हमने लगभग उखाड़ दिए हैं, अब ये बचा है उतना फ्रूटिंग नहीं कर रहा, तो इसको भी हटा देंगे, बस ये बस रहेगा क्योंकि ये थोड़ी ठीक ठाक फ्रूटिंग कर रहा है तो इसको रखूंगी। इसमें हमने उगाया है भिंडी, अभी दो दिन पहले ही उगाया है तो भिंडी अभी इतना जल्दी नहीं निकलता है। बैंगन बहुत हो रहे हैं, फले हैं, लेकिन मैं बस तोड़ नहीं पा रही हूँ, फल फल के बेचारे लटक जा रहे हैं। ये भी देखिए हमारे टमाटर हैं, ये भी फल रहे हैं, खूब फल रहे हैं, ऐसे नीचे हैं। ये देखिए आपको गांठ गोभी खूब खाए हम और अभी भी है, इसमें मिर्चियां ढेर फली हुई हैं। तो अब दोस्तों आप ये मत सोचिए कि आपके पास ये पौधा है तो इसको हम क्यों उगाएं, ऐसा नहीं है। आपके पास रहे तब भी उगाइए क्योंकि वो फ्रूटिंग कर रहा है, आगे वाला आने वाला और फ्रूटिंग करेगा, जब तक वो खत्म होगा तब तक आपने जो अभी लगाया उसमें से फ्रूटिंग आ जाएगी। आए हैं तो थोड़ी सी धनिया भी ले लेते हैं, कितनी बढ़िया धनिया हुई है दोस्तों, देख रहे हैं कितनी ताजी ताजी और खुशबू इसकी। दोस्तों ये लेटुस है, ये देखिए रेड वाला, इसको भी उगाया हुआ है, ये मास्टर भाजी है, कितनी बढ़िया गर्मी में तो और ये खिलती है। और ये अरबी के पत्ते, इसकी सब्जियां बहुत अच्छी बनती है। पालक तोड़ नहीं पा रहे दोस्तों, कितना बड़ा बड़ा हो गया, उसको काट कर गाय को देना है। एक्चुअली काम मुझे बहुत रहता है। ये देखिए हमारे पौधे सब ये तैयार, ये देखिए इतना मतलब ये पर्पल रहता है पर्पल मिर्ची का कि ये मिट्टी में दिखता ही नहीं है। तो ये खूब सारे पौधे तैयार हुए हैं, ध्यान से देखेंगे तो ये गोल मिर्ची है और ये एक तरह की और मिर्ची है और ये पर्पल है। इनके पौधे तैयार हो रहे हैं इसलिए मैं ये खाली कर ले रही हूँ। इसमें टमाटर लगा है, थोड़ी बहुत भाजियाँ भी हैं, ये बथुआ वगैरह, बथुआ मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं बथुआ को नहीं उखाड़ती हूँ। अगर अच्छी जगह पे लगा है, किसी पौधे को अगर डिस्टर्ब नहीं कर रहा तो नहीं लगाती हूँ। इसमें है लाल भाजी और साइड में मैंने लगा दिया है टमाटर, जैसा कि मैंने कहा कि टमाटर फल रहे पक रहे हैं फिर भी मैं लगाती रहती हूँ। दोस्तों ये है मूली, बढ़िया उग रही है, देखिए बहुत अच्छी उग रही है। ये हमारी मिर्ची है, बहुत सुंदर हो रही है, देखिए मिर्ची हमारी फल भी रही है, पक भी रही है और इस तरह से हमने उगाया भी है। ये हमारी बोगनवेलिया है, ये देखिए मुनगा कैसे एकदम लटक लटक के फला हुआ है, देखती हूँ आज तोड़वाने की कोशिश करती हूँ। हम चढ़ नहीं पाते दोस्तों, इसलिए हमारा मुनगा जो है रह जाता है तोड़ने के लिए, वहाँ हल्के लोगों को ही भेज सकते हैं। ज्यादा भारी से मुनगा का पेड़ ना बहुत नाजुक होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये देखिए ये सफेद बैगन है, इस तरह से फला हुआ है और ये टमाटर पक के खराब हो गए, हम तोड़ नहीं पाए, तो उनको डाल दूंगी किसी क्यारी में तो उनके सीड्स तैयार हो जाएंगे। ये भी हमारी बोगनवेलिया है और ये हिबिस्कस है जो अभी खिलना शुरू हो रहा है, देसी हिबिस्कस है। देसी दोस्तों इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि फूल पूजा के लिए चाहिए होता है। ये रोज है, रोज रोज रोज। ये धनिया, धनिया दोस्तों हमारे यहाँ खूब सारी हमने लगा दिया था। ये हिबिस्कस, ये मास्टर भाजी, यहाँ भी देखिए हमने टमाटर उगाया हुआ है, यहाँ भी टमाटर उगाया हुआ है। दोस्तों इस मिर्ची को भी मैं उखाड़ दूंगी, ये भी बहुत बेचारी फ्रूटिंग करी, अब इसका टाइम खत्म हो चुका है। तो दोस्तों टाइम भले खत्म हो जाए लेकिन ये अपना दे कर जाते हैं, अपने अपना जीवन जी कर जाते हैं। ऐसी कहानी याद आ रही है मुझे, हाँ बोलेंगे कहानी बहुत सुनाती है। ये देखिए इसमें ये है दोस्तों, कहानी ऐसी है कि हर इंसान अपने जीवन में काम करता है, कमाता है, अपने बच्चों की परवरिश करता है। ऐसे ही एक व्यक्ति था, उसने भी अपने बच्चों की परवरिश करी, उसकी वाइफ नहीं रही, वो बूढ़ा हो गया। तो रोज उन लोग सब बैठ के डाइनिंग टेबल में खाना खाते थे। एक दिन उससे हाथ से सब खाना फिसल गया क्योंकि वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। बहू ने बोला कि इनको कोने में बिठा दो क्योंकि हम इनके सामने खाना नहीं खा सकते, ये चीज़ों को गंदा कर रहे हैं। तो उनका जो जो थे उनका पोता बड़े ध्यान से देख रहा था और वॉच कर रहा था। तो उससे उसके उसकी माँ ने पूछा, उसके या पिताजी ने, कि क्या देख रहे हो? बोले हम देख रहे हैं कि हम भी ऐसी कोना आपके लिए खोजेंगे जब आप बूढ़े हो जाएंगे। उनकी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत उनको इज्जत के साथ फिर लाए और अपने साथ खाना खिलाना शुरू किया। इसलिए माँ बाप की इज्जत किया करो दोस्तों, खैर छोड़ो आपकी मर्जी। तो इस तरह से दोस्तों मैं आपको बता नहीं पाई कहानी के चक्कर में। दोस्तों ये लाल भाजी है, इसमें हमने बैंगन भी लगाया है और बीन्स भी लगी हुई हैं। इसमें हमारी खेड़ा भाजी है, इसमें खट्टा भाजी है
और ये तो पहचानते हैं आप, चौलाई भाजी है। ये प्याज की पत्तियों के लिए हमने लगाया हुआ है, और ये भी प्याज है, और यहाँ इसमें ब्रोकली हो रही है, और नीचे हमने इसमें गोभी लगा दिया है। ब्रोकली कुछ दिन में हो जाएगी, तब तक हमारी गोभी तैयार होना शुरू हो जाएगी। इनमें हमने लाल भिंडी उगाया हुआ है दोनों कंटेनर में, और ये हमारी है करमता भाजी जो बहुत ही टेस्टी होती है। और बाकी ये सब पौधे कुछ सो पत्ती हैं, कुछ ऐसे ही हैं। ये बोगनवेलिया है, टमाटर का बता रही थी ना आपको दोस्तों, ये देखिए कैसे गुच्छों में फला हुआ है, दिखेगा नहीं, ये देखिए। तो इसीलिए टमाटर तो हम खूब सारा लगाते हैं, और अभी भी लगाए जा रही हूँ, हमारे ये भी तैयार हो गए हैं दोस्तों, चना बूट, इसको भी हम ले लेंगे। एक कंटेनर हमारा ये भी खाली हो जाएगा, जहाँ तक है आज मैं चना बूट पूरा उखाड़ लूँगी। ये बैंगन देखिए किस तरह से कल्याणी बैंगन है, किस तरह से फले हुए हैं। इसमें हमने ढेर सारे दाने डाले हैं, ये कुछ पौधे भी लगाए हैं। ये है कद्दू, ये भी कद्दू का ही पौधा है, देखिए निकल रहा है, यहाँ भी है। तो दाने दोस्तों अभी डाली हूँ, दो दिन पहले, दानों को निकलने में थोड़ा टाइम लगता है। और हमारी सेम में इतने सारे दाने तैयार हो गए हैं, देखिए सब जो पक गई है ना, ये इन्हीं सबसे पौधे तैयार होते हैं। ये मीठी नीम है, ये भी अच्छी हो रही है, और इसमें हमने ढेर सारे दाने डाले हैं दोस्तों। जैसे ये लौकी है, उधर भी है, और जो हमने दाने डाले हैं वो दिख नहीं रहे हैं, जब निकलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। और ये है हमारे खूबसूरत से अडेनियम, जो कि अभी खिलना शुरू हुए हैं। इनको मैंने प्रून कर दिया था, बेचारों को इतना टाइम लगा, हार्ड प्रूनिंग की थी, इतना टाइम लगा इनको निकलने में, बारिश के बाद ही मैंने इनको किया था। तो अभी इनमें देखिए, अब भी इनमें ये निकल रहे हैं, ये देखिए इसमें तो कुछ भी नहीं निकला, पता नहीं कब निकलेगा, इनमें ऐसे दिखना शुरू हुए हैं, ये देखिए। ये इसमें भी इस तरह से अभी निकलना शुरू हुए हैं। और दोस्तों अगर हम बारिश के बाद प्रूनिंग करते हैं ना, तो ये फूल पहले आते हैं, पत्ते बाद में, देखिए फूल पहले आ रहे हैं। और अगर अभी फरवरी में करते हैं तो पत्ते पहले आते हैं और फूल बाद में। तो मैं ऐसा सोचती हूँ दोस्तों कि अगर हम फरवरी में प्रूनिंग करेंगे तो ये खिलेगा कब, इसीलिए मैं फरवरी में प्रूनिंग करना पसंद नहीं करती हूँ। ये हमारी अपराजिता है, जो ये भी खिलना शुरू करी है अभी अभी, ब्लू कलर की है दोस्तों। मुझे व्हाइट कलर का भी अपराजिता मिल गया है, और उसके सीड को मैं बहुत जल्दी उगाऊंगी। और ये हमारे छोटे बच्चों से अडेनियम है, ढेर सारे दोस्तों, बहुत सारे बुच्छ अरे, ये देखिए कितने सुंदर है ना। ये भी है एक तरह का बहुत खूबसूरत पौधा, और हमारे जेट प्लांट सब कटिंग छटिंग के लिए हैं, लेकिन कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं ही देखभाल करती हूँ दोस्तों। मैंने माली वाली नहीं रखा हुआ है, मुझे विश्वास नहीं है, उन लोग अच्छा काम नहीं करते हैं, कोई कोई अच्छा करते हैं, इसलिए मैं खुद ही कर लेती हूँ, मैं किसी को नहीं लगाती। ये हमने खाद वाला डिब्बा खाली कर लिया है, अब इसमें हम फिर से भरेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अब नीचे, देखिए हमारा ये गार्डन का व्यू है। दोस्तों ठंड है आज, ठंड कम हो गई थी, अभी ये फिर से ठंड शुरू हुई है। देखिए हमारी तरफ मतलब खेत जहाँ हमारे ना, वहाँ बारिश हुई है दो दिन पहले, तो शायद इसीलिए ठंडा इधर आया। धनिया घर में बहुत लगता है, तो हमने बहुत उगा दिया था, इसकी धनिया हमने खाया, और अभी फिर से अच्छे से आएगा। इसमें भी दोस्तों धनिया है, देखिए, और इसमें हमने उगाया है पालक, इसमें पालक पहले से है, इसमें प्याज उगाया, थोड़ी थोड़ी लाल भाजी और बथुआ भाजी भी हो गई है। धनिया हमने ढेर सारी उगाई फिर से, ये देखिए अभी ये निकल रही है। और इसमें हमने भिंडी उगाई है, भिंडी हमने दो तीन तरह की उगाई, ये टमाटर है दोस्तों, इसमें भी हमने धनिया उगाया है, ये देखिए अभी यहीं पड़ा है, अभी लेके नहीं गई, तो इसको अब ले जा रही हूँ मैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें। थैंक यू, बाय बाय।
दोस्तों ढेर सारी अदरक निकली है, बहुत पकी हुई है, सोठ बनाने लायक। जिस दिन मैं बनाऊंगी आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो देखते हैं, आपके कमेंट्स भी आते हैं, उनका रिप्लाई भी मैं करती हूँ, और आप सीखना भी चाहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोई सीखना चाहता है। अगर स्वस्थ रहना चाहता है ऑर्गेनिक खाके तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे, और जब आप तक वीडियो पहुँचेगी तभी तो जानकारी पहुँचेगी। तो दोस्तों बहुत बहुत आभार हमारी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।